जामुन का सीजन चल रहा है और जामुन के बीजों को आपको फेंकना नहीं है, उन्हें सुखाकर उनका पाउडर बना लेना, और यह पाउडर रोजाना खाने से आपको बहुत सी बीमारियों को बचाव करता है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, जामुन खाने के क्या क्या फायदे हैं, या फिर उसके बीजों को एकदम पाउडर बना लें तो उसके कौन कौन से फायदे होते हैं। बेसिकली जामुन जो होता है गर्मी में मिलने वाला एक फल होता है, क्योंकि स्वाद में जो कि खट्टा मीठा होता है, यदि इसमें थोड़ा सा नमक डालकर अगर खाया जाए तो इसका जो स्वाद है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली जामुन एक रिफ्रेशिंग फल है जो कि बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन यदि हम जामुन के बीजों को अगर पाउडर बना लें तो उसके और ज्यादा लाभ आपको मिलने लगते हैं। तो आज इन्हीं फायदे के बारे में बात करने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जामुन के बीज का जो चूर्ण है उसको खाने के हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जामुन के बीजों में जबिलाइन और जबेसिन नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट जो पाए जाते हैं, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं, जो इसके जो एक साथ स्पाइक जो होता है उसको स्लो डाउन करते हैं, साथ में जो हमारे शरीर में इंसुलिन का जो लेवल है उसके इंसुलिन को लेवल को बढ़ाते हैं, और जामुन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और आपकी ब्लड शुगर को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। और डायबिटीज के रोगियों के लिए जामुन का जो फल है एक चमत्कारी फल के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका नेचुरल यूरिनेशन में सहायक होते हैं, जामुन के बीजों में डिटॉक्सिफाइंग हर्ब्स के रूप में इसको जाना जाता है, तो ये नेचुरल यूरिनेशन को मेंटेन करता है, आपके पसीने को आने में सहायता करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। इस तरह से जामुन का बीज आपके नेचुरल यूरिनेशन में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि लीवर के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि लीवर में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी होती है उसके कारण ये लीवर को स्टिमुलेट करने में काफी ज्यादा मददगार होता है, साथ में फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को यह लीवर की सेल को बचाता है, साथ में लीवर की सेल की रक्षा भी करता है और लीवर के इन्फ्लेमेशन को काफी हद तक रोकता है, साथ में फैटी लीवर जैसी क्रॉनिक बीमारी होने की जो संभावना है उसको भी ये बहुत कम करता है। इसलिए रेगुलरली हमें जो जामुन के बीज का चूर्ण है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी ज्यादा सहायक होता है, और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो है एलेजिक एसिड जो होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफी ज्यादा कारगर होता है। तो फिलहाल अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए भी आप जामुन के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये फ्लेवोनॉइड से भरपूर होता है, क्योंकि जो जामुन के बीज हैं उसमें फ्लेवोनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, और साथ में इसके अंदर फेनोलिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिलहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें जामुन और जामुन के बीज चूर्ण के फायदे के बारे में इसको बता रहा था, और यदि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जो बीज का चूर्ण है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इसे आप अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को जो बीज का चूर्ण है वो सूट ना करे, ऐसे में इसकी जो शुरुआत करें वो थोड़ी मात्रा में शुरुआत करने का आप ट्राई इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही, और वीडियो खत्म करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह, और यहां पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। यहां तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।